देखा तो वहां पे उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, प्रॉपरली मेंशन ही नहीं किया, जो इस क्वेश्चन का नीड है उसके अकॉर्डिंग कुछ कहीं पे मेंशन नहीं था प्रॉपरली। सबने वैसे ही क्या कर दिया, सब कुछ मिक्स कर दिया, तो मिक्स करने से मार्क्स नहीं आएंगे। एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बहुत ही आपको डिफिकल्ट लगता होगा, बताओ कौन सा क्वेश्चन इस पेपर में डिफिकल्ट लगा सबसे ज्यादा? एक एनसीईआरटी लगा होगा, ये एक क्वेश्चन लगा होगा, राइट? दो क्वेश्चन लगेंगे डिफिकल्ट। सो ये दो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एनसीईआरटी अगर देखोगे आप, एनसीईआरटी डेली बेसिस पे यूज करते हो, उसका वर्क आप जानते ही हो। एससीईआरटी तो उसका छोटा भाई है, बिकॉज वो स्टेट लेवल्स पे आता है। तो एनसीईआरटी एससीईआरटी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो कि आएंगे। इस बार भी एनसीईआरटी एससीईआरटी अगर पढ़ के जाते हो ना, स्पेशली एनसीईआरटी, देखो मैं सियर शॉर्ट बोल रही हूँ, आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। एंड ये क्वेश्चन भी बोल दूँ, जो क्वेश्चन अभी पकड़ी हूँ ना, वो क्वेश्चन भी अच्छे से सुन लो अभी, ठीक है? अच्छे से पूरा सुन लेना, मुझे तो थोड़ा बहुत दिख रहा है एंड मैं एडिट भी कर दूंगी तो ये स्क्रीन में विजिबल भी हो जाएगा आपको वीडियो में। बट एग्जाम से पहले 1-2 times इसको पहले सुनोगे, ठीक है? 5-10 minutes टाइम लूंगी इसको पूरा समझाने के लिए अभी, एंड उसको बार बार सुनना, उसके बाद आप रीड करना, आपका नोट्स पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। इमर्जेंस ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है कि स्कूल सब्जेक्ट क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल सब्जेक्ट? तो इससे पहले हमारा सबसे बड़ा बेस कौन सा है बताओ? एजुकेशन ना, एजुकेशन है ना सबसे बड़ा बेस। यस, तो एजुकेशन का इंट्रो देना है, 2-3 lines एजुकेशन का इंट्रो दे दोगे। एजुकेशन, एजुकेटम, याद आ रहा है? एजुकेशन वर्ड आया है एजुकेटम से। एजुकेशन मतलब होता है, एजुकेशन का मतलब है वन काइंड ऑफ सर्विंग और कैटरिंग नॉलेज। नॉलेज सर्व करना या फिर ज्ञान, ज्ञान देना, या फिर आप बोल सकते हो कि कुछ चीज़ों को सिखाना, ठीक है? सिंपल अगर वर्ड में बोलूँ, सिखाना। तो क्यों ये पावरफुल है? देखो ये पावरफुल क्यों है ना, बिकॉज नेल्सन, आपको नेल्सन मंडेला याद है? नेल्सन मंडेला याद हो ना? ओके, तो उनके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन गिवन है, मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन कैन चेंज द शेप ऑफ एवरीथिंग, कैन चेंज द शेप ऑफ दिस सोसाइटी, कैन चेंज द शेप ऑफ वर्ल्ड और योर थिंकिंग, आपको ये मॉडिफाई कर सकता है। सो एजुकेशन वन काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लर्निंग होता है। किसी चीज को लर्न करने के बाद आप में जो परिवर्तन आते हैं, वो परिवर्तन को हम एजुकेशन बोलते हैं। अभी एजुकेशन से बुकिश नहीं होता, आप ज्ञान जहां से भी ले रहे हो वो एजुकेशन ही है, जिसको आप एक तरह से लर्निंग भी बोलते हो। तो नेंशल ने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है? आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट में क्या मेंशन करना, नॉलेज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज? अच्छा, नॉलेज को बोला जाता है दैट इज द फिलोसॉफी, फिलोसॉफी, लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम, लव ऑफ नॉलेज और लव ऑफ विजडम। तो अभी नॉलेज का मतलब होता है, यहां पे जी लगेगा, हां, नॉलेज, नॉलेज एज पर प्लेटो, एज पर प्लेटो, प्लेटो क्या बोले ना, इट इज ट्रू बिलीफ। आप किसी चीज पे बिलीव करते हो, कोई नॉलेज के बिना पे बिलीव करता है क्या कोई चीज को? हो सकता है? पॉसिबल है? नो। सो वी नीड एविडेंस, राइट? हमें क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए होता है। तो प्रूफ को जानने के लिए भी, परखने के लिए भी आपको नॉलेज चाहिए। देखो अभी मैं आपको कुछ पढ़ा रही हूँ, आप सही है या गलत है आप जान सकते हो, दैट मीन्स आपके पास नॉलेज ऑलरेडी है, आप बिलीव कर रहे हो कि ये चीज़ गलत नहीं है जो मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे पास कुछ प्रूफ है उससे ये मैच करता है, सो दैट ये करेक्ट है। सो ये नॉलेज है, एच पर प्लेटो, इट इज ट्रू बिलीव, ये एक सच्चाई है। नॉलेज मतलब ज्ञान, ज्ञान कैसे ले रहे हो? एजुकेशन के द्वारा। ज्ञान कैसे ले रहे हो? एजुकेशन के द्वारा। इसलिए पहले एजुकेशन आता है, उसके बाद ज्ञान आता है। अभी बोला गया कि आपके पास कंटेम्प्रेरी पीरियड याद है ना, सारा पीरियड याद है? देखो आज कुछ नया डायग्राम दिया है, 360 degree आप बनाते हो ना, 360 degree, ठीक है? 360 degree जैसा एक डायग्राम आज थोड़ा सा नया बनाओगे, हमेशा ओल्ड डायग्राम्स में मत रहना, हमेशा चेंजेस चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन के द्वारा, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, 180 degree, राइट, मैं सर्कल के बारे में याद आ गया, राइट, ये 180 degree है। 180 degree के अकॉर्डिंग आप इसको 5 parts में डिवाइड कर दो, ठीक है? 5 parts में हमने डिवाइड कर दिया। 5 parts में डिवाइड करने के बाद बीच में मैंने क्या रखा, कल्चर। आपको हर एक चीज में एजुकेशन का बेस क्या मिलता है बताओ? कल हम लोग एजुकेशन का बेस समझ रहे थे, क्या था बेस? कल्चर है ना, कल्चर है।
कल्चर कल्चर है। अभी बोलो वेदास, जो वेदा का पीरियड था, मतलब वेद जहाँ पे थे, ऋग वेदा यजुर्वेदा, आपके जितने भी चार वेदास हैं, चार वेदा आपने पढ़ लिया। सो मतलब आपका चार वेदास का जो सबसे बड़ा वेदा है वो है ऋग वेदा। अभी वेदा में और वेद जो हम बोलते हैं, वेद के द्वारा जो पढ़ाई होता था कहाँ पे देखने को मिलता है? कंटेम्प्रेरी का क्वेश्चन है, बोलो। गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जो भी आपको ज्ञान देते कौन है? गुरु। नॉलेज किसके द्वारा मिलेगा, ज्ञान किसके द्वारा मिलेगा? ना गुरु के द्वारा। ठीक है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। अभी बोलो वेदा के बाद कौन सा पीरियड आया? बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट आया, ठीक है, बुद्धिस्ट। उसके साथ और एक पीरियड भी था जो कि साइमल्टेनियसली चल रहा था बुद्धिस्ट के साथ, बताओ कौन सा होगा? जैन, जैनिज्म। गुड, वेरी गुड, जैनिज्म आएगा। तो जैनिज्म एंड इनका जो भी पॉइंट था वो दोनों ही सेम था, एंड इन दोनों का मेन पॉइंट था साल्वेशन, मोक्ष प्राप्ति। देखो मोक्ष प्राप्ति कब होता है पता है? आप बोलोगे ना आपको मोक्ष चाहिए, बोलो जिंदा रह के मोक्ष पा सकते हो या नहीं, ये सुनो, देखते हैं कितने लोग सही बोलते हो। मैं अगर बोलू पा सकते हैं, आपका ज्ञान ही आपका मोक्ष है, आपका ज्ञान ही आपका मोक्ष है, ठीक है। आपका साल्वेशन मतलब स्पिरिचुअल वाकनिंग बोला जाता है, जिसके द्वारा आप भगवान से खुद को जोड़ते हो। तो हम जब संपूर्ण भगवान के ज्ञान को लेना चाहते हैं, या संपूर्ण भगवान क्या है उस शक्ति को जानना चाहते हैं जो हमें फीलिंग देता है कि हम क्यों अर्थ पे हैं, या फिर हमारा उद्देश्य क्या है, तो उसी को ही हम साल्वेशन या मोक्ष मान सकते हैं इस अर्थ के ऊपर। तो अभी हमारा पॉइंट है कि बुद्धिस्ट और जो भी हमारे जैनिज्म थे, बुद्धिस्ट और जैनिज्म, तो उनके पीरियड में मॉन्क थे, मॉन्क थे, पता ना मॉन्क अभी भी घूमते हैं, मरून कलर के वो लोग पहनते हैं, धोती जैसा तो नहीं होता वो, तो कपड़ा होता है वो पहनते हैं, और पूरा मुंडन कर लेते हैं, बाल नहीं रहते उनके, और वो घूमते रहते हैं और अपने जो भी उनका ज्ञान है उसको बांटते रहते हैं। तो ऐसा ही चीज होता था मॉन्क के द्वारा। तो ये पीरियड में हो गया बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट गया। अभी क्या आया था बताओ? सबसे पहले इस्लामिक आए थे, सबसे पहले हिंदू आए थे, देखते हैं कितना कंटेम्प्रेरी जानते हो। इस्लामिक, वेरी गुड, इस्लामिक पहले आएंगे उसके बाद ही हिंदू आएंगे, बट हिंदू एजुकेशन उस टाइम पे बहुत ही डाउनवर्ड चल रहा था, डाउनफॉल था, इस्लामिक ही चल रहे थे। तो इस्लामिक में सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन सिस्टम का मेन मोटो क्या था पता है? कुरानिक सिस्टम और कुरानिक एजुकेशन, कुरान पढ़ना, अरेबिक सिस्टम में पढ़ाई करना, अरेबिक, पर्शियन, यही सारे लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाई होता था। और वहाँ पे हम किसके द्वारा पढ़ते थे बताओ? बताओ, खुशनुमा मॉल भी बोलते हैं, खुशनुमा प्रेजेंट हो कि नहीं हो? खुशनुमा परवीन, आई थिंक प्रेजेंट नहीं है, ओके, मौलवी के द्वारा पढ़ाई होता था, ठीक है। कहाँ पे पढ़ते थे बताओ? मस्जिद मस्क, ठीक है, मस्क मस्जिद में हम लोग पढ़ाई करते थे, मस्क और मस्जिद में, हाँ मदरसा, वही मस्जिद मस्क मदरसा सब सेम है, वहाँ पे ही पढ़ाई होता था। अभी और एक चीज में आते हैं, ब्रिटिश एजुकेशन में, ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन पढ़ाते हैं, बोलो ब्रिटिश एजुकेशन में कौन ज्ञान देते थे? टीचर्स, वो तो डायरेक्ट वर्ड यूज कर चुके थे टीचर्स, बट कौन सा लिटरेचर है? यूरोपियन लिटरेचर, मतलब ज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी का जो भी यूज होगा या फिर जो भी स्प्रेड करेंगे किसके द्वारा होगा? ना टीचर्स के द्वारा ही होगा, बच्चों को बताएंगे। अभी लास्ट पीरियड में आ गए, लास्ट पीरियड दैट इज इंडियन पीरियड, और बोल सकते हो मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरिया में क्या आएगा बताओ? कौन टीचर्स हैं? इंडियन है, सारे इंडियन है, ठीक है, इंडियन टीचर्स विथ मेनी आइडियाज ऑफ डिफरेंट कमिटीज, डिफरेंट कमिटीज है कि नहीं, पढ़ चुके ऑलरेडी 1947 से, काउंट करना स्टार्ट करना है हमें, तो वहां से आपको पता चलेगा डिफरेंट कमिटीज आए, कमीशन आए, जिन्होंने डिफरेंट आइडियाज दिए इसके बेसिस पे। तो ये आपका इमर्जेंस, अगर बोलते हो कि स्कूल सब्जेक्ट्स कैसे आए, तो ये जो पांच हमने क्या लिखा, एंगल्स बना के लिखा, ये पांच एंगल्स बना के लिखा, यही पांच रेखाएं हैं जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट्स कैसे आए और कौन इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो कि ज्ञान बांटते थे, ज्ञान बांटते थे। कल एक लाइन मैंने टेक्स्ट बुक में मेंशन किया था, टेक्स्ट बुक में, टेक्स्ट बुक क्या है? टीचर इन प्रिंट, याद है, टीचर इन प्रिंट, दैट मींस एक टीचर का क्या ज्ञान है वो कहाँ देखने को मिलता है? उसके किताबों में, उसके किताबों में, किताब जो बोलते हैं उसी को ही टीचर बताता है, आप लोगों को एक्सप्लेन करता है, उसी पॉइंट्स को लेके वो बहुत कुछ समझाता है। यहाँ तक हो गया, स्कूल सब्जेक्ट के बारे में दो चार लाइन लिखिएगा, जो ऑलरेडी कल हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्कूल सब्जेक्ट क्या है, बट फिर भी मैं दो लाइन लिखती हूँ कि स्कूल सब्जेक्ट फॉलोड फॉलोड बाय स्कूल करिकुलम, यहाँ पे फॉलोड बाय नहीं होगा, फॉलोड
फॉलोड ही होगा, सॉरी फॉलोड बाय नहीं होगा, फॉलोड बाय बोल देने से करिकुलम छोटा हो जाएगा. सो फॉलोड करिकुलम, स्कूल करिकुलम, स्कूल करिकुलम को वो फॉलो करता है. एंड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ सिलेबस, बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ये करिकुलम एंड सिलेबस के बेसिस पे ही चलता है. स्कूल सब्जेक्ट का मेन एम है क्या बताओ, कल पढ़े थे, इसका मेन एम क्या है, स्कूल सब्जेक्ट का मेन एम क्या है? टू मेक ए गुड सिटीजन, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन. ओके, सो मैं कंप्लीट सेंस में अगर बोलूं ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट सेंस में अगर बोले तो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन, स्कूल सब्जेक्ट का मतलब होता है स्कूल सब्जेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्री नर्सरी, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी. दैट मींस जब भी हम एजुकेशन में चले जाते हैं तो वी नीड लॉट्स ऑफ बुक, तो हमें बहुत सारे स्कूल सब्जेक्ट्स चाहिए, बुक्स चाहिए जो कि डिफरेंट नॉलेज को बच्चों तक पहुंचाता हो. इसका मतलब है कि बच्चे को हम ह्यूमन बनाना चाहते हैं, ह्यूमन बनाना चाहते हैं इन द सेंस उनके वैल्यूज़ में, मतलब मोरल वैल्यूज़, उनके कॉग्निटिव वैल्यूज़, उसके हार्मोनियस लाइफ के लिए, सोशल वैल्यूज़ के लिए एंड डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग के लिए. करेक्ट, यहाँ तक हो गया, समझ पाए? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है करिकुलम. करिकुलम अगेन पढ़ेंगे. करिकुलम मतलब क्या है बताओ, ये सिस्टमैटिक है या फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क है? सिस्टमैटिक होगा या फ्लेक्सिबल होगा या दोनों होगा? दोनों होगा, दोनों होगा, दोनों होगा. सिस्टमैटिक भी है, फ्लेक्सिबल भी है. फ्लेक्सिबल इन नेचर दैट मींस इट इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. चाइल्ड सेंटर्ड मतलब आपके ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये होता है, इसीलिए ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं बन सकता. एंड ये सिस्टमैटिक है, मतलब यहाँ पे मैंने कल किताबें भी आपको दिखाई थी, तो यहाँ पे पहले क्या होता है, किताबों में जो पहले क्वेश्चन होते हैं वो इंट्रो बेस्ड में होता है, थोड़ा सा डेप्थ में चले जाओ नेक्स्ट यूनिट, और थोड़ा डेप्थ में चले जाओ नेक्स्ट यूनिट, एंड लास्ट में कंक्लूजन पार्ट होता है. सिमिलरली आपके करिकुलम में भी सेम चीज़ रहते हैं. पहले तो हम मेंशन करेंगे एक स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, फिर एक स्कूल का करिकुलम कैसा होगा, एक स्कूल का को करिकुलर एक्टिविटीज कैसा होगा, एक स्कूल में इवैल्यूएशन टेक्निक, टीचर्स एजुकेशन, सब्जेक्ट, सिलेबस एंड एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा होगा. तो ऑल टोटल में देखिए, धीरे धीरे एंटर किया कि नहीं, पूरा स्टेप बाय मैनर पे. ओके, इसलिए ये सिस्टमैटिक है, दोनों पॉइंट्स को लिखा जाता है. तो यहाँ पे करिकुलम के बारे में लिखना है, जो अगेन आज पढ़ लेंगे अभी कुछ टाइम बाद, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम लिखेंगे, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलेबस भी है, करिकुलम भी है, दोनों सेम है. इसके बाद देखो सोशल कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है. बताओ सोसाइटी से आप क्या क्या सीखते हो, फटाफट बोलो. सोसाइटी से आप क्या क्या सीखते हो, फटाफट बोलो. ओके, यहाँ पे दो चीज इसलिए आपको मेंशन किया क्योंकि आप कंपैरिजन में समझ सको. देखो फर्स्ट थिंग, मैंने आपको टाइम दिया कि क्या बोलना है, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. सोसाइटी से आप क्या सीखते हो ना, सोसाइटी आपको बताता है कि आपको सिटीजन कैसे बनना है. सोशल क्लास सुने हम, सोशल ऑर्डर और सोशल क्लास, इट मेक्स अस टू बिल्ड आवर ह्यूमन, बिल्ड आवर ह्यूमन पर्सनैलिटी, हमारा ह्यूमन पर्सनैलिटी को ही बिल्ड कर रहा है. इट मेक्स इम्प्रूवमेंट इन सोशल ऑर्डर, इट मेक्स अस वेरी कोऑपरेटिव. तो ये और क्या बना सकता है, कोलैबोरेटिव वर्किंग, सिटीजनशिप बनाता है, मतलब हम लोगों को ट्रू, मतलब सच में जो नागरिकता होता है उसका पहचान करवाता है हमें. और क्या पता चलता है ना, सब ये सब्जेक्ट हमें नॉलेज देता है कि कैसे जिंदा रहना है, कैसे जीना है, हमारा जो नीड्स है उसको कैसे फुलफिल करना है. हमें इम्प्रूवमेंट लेके आता है, हमें इंटरेक्शन करने में हेल्प करता है, लैंग्वेज को व्यवहार कैसे करना है या उसमें रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे ज्ञान लेना है, एंड वर्क के लिए हमें सपोर्ट भी करता है. इतने पॉइंट्स हैं, ठीक है. यहाँ पे कहीं पे भी मैंने मेंशन किया क्या, रूल्स, रेगुलेशन, वर्ड. अच्छा, एक चीज अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, फिर से बता रही हूँ आपको, अगर किसी ने पूछा कि सोसाइटी क्या है ना, सोसाइटी एक एनवायरमेंट है, ठीक है. सोसाइटी एक एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट में अगर बताओ, आपने बोला रूल्स रेगुलेशन, यहाँ पे अगर इस एनवायरमेंट में अगर इंसान नहीं रहते हैं तो क्या यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन होंगे? नो. सो फर्स्ट थिंग है, ये एक एरिया है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है वेरियस पार्ट्स का, एंड उसी का ही एक पार्ट है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है. तो पॉलिटिकल जब वर्ड आ जाता है तो वहाँ पे ह्यूमन नेचर से हटके हमें राइट्स, रेगुलेशन, रोल, ड्यूटीज के बारे में पता चलता है.
ठीक है, आपने अगर सोशल स्टडीज बुक पढ़ा होगा, क्या पहले से ही रूल्स रेगुलेशन के बारे में मेंशन था या सिविक्स एक सब्जेक्ट आया आपके साथ सोशल स्टडीज में? क्या बता रहे? अच्छा ओके ओके ओके, ज्वाइन करिए। ओके, मैंने क्या बोला कि सपोज ये आपका सोशल स्टडीज का बुक है जो आप पढ़ना स्टार्ट किए थे, सामाजिक ज्ञान। सो आप बचपन में जब सामाजिक विज्ञान और सामाजिक ज्ञान पढ़ना स्टार्ट किए थे, साधारण ज्ञान जो भी बोल सकते हो, तो क्या पहले से ही वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज के बारे में मेंशन था, रूल्स रेगुलेशन के बारे में मेंशन था? तो ये एक सब्जेक्ट आता है कि नहीं बताओ, सिविक्स, नगर विज्ञान, नगर विज्ञान, वन सेकेंड ना, नगर विज्ञान। सो यहाँ पे जब भी आप डिवीजन करो तो पहला देखो सोशल कॉन्टेक्स्ट, मतलब सोशल साइंस और सोशल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि वो सब्जेक्ट क्या बोलता है ना, वो सब्जेक्ट आपको नॉलेज देता है कि कैसे आपको जीना है, कैसे आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, कैसे बिल्ड करना है, सोशल ऑर्डर में रहना है, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिवली वर्क करना है, इंटरेक्शन करना है, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप बनाना है। अभी डेमोक्रेटिक वर्ड आ गया, मतलब रूल्स रेगुलेशन एंटर करेंगे। तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बताता है कि राइट्स, ड्यूटीज, लॉ, रूल, बिलीव इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी, इक्विटी, इक्वालिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर। तो इतना चीजें सोशल साइंस के पॉइंट में भी आएगा, बट इसको अगर हम सेपरेट करते तो ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो सोशल कॉन्टेक्स्ट है। ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से है। सोशल मतलब हम अभी सोशल है, हम अभी सोशल है, तो क्या हम कोई ड्यूटीज को फॉलो करें या रूल को फॉलो करें क्या? नहीं। तो यहाँ पे बस हम इंटरेक्शन करें, कोलैबोरेटिवली एंड कोऑपरेटिवली वर्क कर रहे हैं। अगर मैं सडनली बोल दूं कि कुछ एक टाइम फिक्स कर दूं, कुछ रूल फिक्स कर दूं, तब ये हमारा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। ठीक है, इज इट ओके, क्लियर है? ओके तो इस बेसिस पे आपको सारे वर्ड्स पता होंगे। मुझे पता है कि आप पहले भी ये सारे वर्ड्स जानते हो, तो ये इजी वर्ड्स भी मैंने दिया हुआ है। अच्छा, तो अभी बताओ पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल बेसिस पे अगर देखते हो, पॉलिटिकल साइंस जहाँ पे वर्ड आता है, सिविक्स जहाँ पे वर्ड आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जहाँ पे वर्ड आता है, तो इस बेसिस पे बताओ प्रायोरिटी सिर्फ हमें अकेले को मिलेगा, इंडिविजुअली मिलेगा, या सारे लोगों को एक साथ मिलेगा, सेम वे से सबको मिलेगा? तो प्रायोरिटी टू सम इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, प्रायोरिटी टू ऑल होगा। देन इंक्लूसिव पॉइंट आता है, दैट मीन्स सबको इंक्लूड करना है। यहाँ पे मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं लिखा है, सिर्फ इंक्लूसिव वर्ड लिखा है, दैट मीन्स सबको इंक्लूड करना है, एसटी, एससी, बैकवर्ड सेक्शन, माइनॉरिटीज एंड हैंडीकैप्ड पर्सन्स ऑल्सो। देन रैशनल थिंकिंग, जब भी आप सोच रहे हो ना, थोड़ा सा खुल के सोचो, मतलब आपका जो थिंकिंग होना चाहिए वो हमेशा नॉलेज, नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, और पूरा रैशनल, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इंडिया का, इंडिया के बाहर का, सोसाइटी का, सबका लेके सोचोगे आप, ऑल टोटल आप थिंकिंग करोगे एक टाइम पे। ठीक है, अभी देखो सोशल साइंस को आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, बताओ। सोशल साइंस सब्जेक्ट किसके साथ जुड़ा है? पेडागोजी क्लास हो चुका है, बताओ सोशल साइंस किसके साथ जुड़ा हुआ है? सोशल साइंस, सोशल साइंस, सोसाइटी एंड ओके, मैं यहाँ पे पॉइंट बोलती हूँ कि सोशल साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद सोसाइटी एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन के रिलेशनशिप के ऊपर आता है। ठीक है, तो साइंस अगर हम बोलते हैं तो साइंस मतलब यहाँ पे लॉजिक ले लो, तो ह्यूमंस के अंदर जो भी लॉजिक हम लोग चला रहे हैं, अभी आपके साथ मेरा कोई कनेक्शन है तो उस बेसिस पे जो भी हम इंटरेक्शन करते हैं, आप मुझसे बात करते हो, मैं आपसे बात करती हूँ, तो ये हमारा सोशल साइंस पॉइंट पे जा रहा है। अभी बताओ सोशल साइंस में ये चार सब्जेक्ट्स आते हैं कि नहीं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, लॉ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, तो ये जो चार सब्जेक्ट मेंशन हुए हैं, ये 21st सेंचुरी के सब्जेक्ट्स हैं, 21st सेंचुरी के सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट डिविजन्स होते हैं 1650 में। देखो ये स्टेटमेंट्स पढ़ना, मैंने बहुत ही शॉर्टकट लिखा है, ये स्टेटमेंट को आप पढ़ोगे कहाँ पे बताओ? अपने नोट्स पे भी। 1650 में एसएस मतलब सोशल साइंस, एसएस मतलब क्या है? सोशल साइंस। 1650 में एसएस मतलब सोशल साइंस को कैसे यूज किया गया? रिवोल्यूशन लाने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय रिवोल्यूशन? विप्लव, विप्लव, चेंजेस। ठीक है, विप्लव लाने के लिए। 1900
सेंचुरी में, मतलब 1900 आपका जो भी आया ईयर आया, शताब्दी में जो भी आया, तो उस पीरियड में इसको बोला गया कि इसने बहुत सारे फील्ड्स बना लिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, लॉ, और भी बहुत सारे ह्यूमैनिटीज, ऐसे करके बहुत सारे ब्रांचेस बना लिए। 21st सेंचुरी में ये सारे तो बने, बट इसको हमने यूज़ किया इक्वालिटी एंड इक्विटी लाने के लिए, मतलब सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी सबके लिए हो, एंड प्लस हम इक्वलनेस दे रहे हैं, मतलब सारे लोग समान हैं, ठीक है, सारे लोग समान हैं। समझ आया सोशल साइंस, हो जाएगा अभी? ओके, अभी देखो, हाँ नहीं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू डिवाइड नहीं हुआ है, ये ओवरऑल डिवाइड हुआ है, ठीक है, ये ओवरऑल डिवाइड हुआ है। इसके बेसिस क्या हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, हाँ वो इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में आया, वो इंटेलेक्चुअल ये जो नॉलेज है ना, नॉलेज पॉइंट आपका इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, नॉलेज इसलिए स्टार्ट किया गया वर्ड, ठीक है, नॉलेज यहाँ पे यूज हुआ, मतलब वो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं आएगा कि सोशल में नहीं आएगा, वो इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, ये सोशल कॉन्टेक्स्ट है, ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, इसके बाद सब्जेक्ट डिवीजन है, जो कि आपका नियर अबाउट मैंने 16th सेंचुरी से स्टार्ट किया है सोशल साइंस का, नेचुरल साइंस का मैंने 12th सेंचुरी से स्टार्ट किया है, और लैंग्वेज का ऑल ओवर एंशियंट पीरियड से चल रहा है, ठीक है, हो गया, ठीक है। अभी देखो नेचुरल साइंस, कल पढ़े थे ना नेचुरल साइंस, सो हमारा सराउंडिंग देखो क्या क्या है इसमें, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, लिविंग प्लस नॉन लिविंग, जैविक अजैविक, जैविक प्लस अजैविक, सो दोनों को आपने चूज किया है, तो बोलो लिविंग में कौन सा सब्जेक्ट आएगा, अभी कल पढ़े थे बताओ, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी, ठीक है, बॉटनी मतलब पेड़ों के साथ संबंधित जो है, ठीक है, और जूलॉजी मतलब ह्यूमंस के साथ जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, द स्टडी अबाउट ह्यूमन बींग्स या बोल सकते हो हम लोग जो भी जीव हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स ओनली जूलॉजी में नहीं आते, एनिमल्स भी आएंगे, और आपके रेप्टाइल्स एफ सब कुछ आते हैं, तो उसके साथ आप काउंट कर लो कि जो चीज़ें हैं, जो जैसे आप बॉटनी मतलब पेड़, यहाँ पे एनिमल्स, बर्ड्स एंड ह्यूमन्स आएंगे, मामल्स आएंगे, तो ये आपका बन जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के बाद और एक सब्जेक्ट आया जो बीच में मैंने रखा, ना वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है, मतलब ये दोनों चीज़ों में चाहिए, बताओ आप जो यूज़ कर रहे हो घर पे गैस एक बोल सकते हैं ना केमिकली वो फॉर्म्ड हो रहा है, केमिकली मतलब केमिकल का यूज नहीं हो रहा है, बट वैसे ही कंप्रेशन करके कोयला बनेगा तभी तो जाके गैसेस मिलेंगे, पेट्रोलियम बनेगा तभी तो मिलेंगे, तो पेट्रोलियम का जो मेन बेस आ रहा है, जो कोयला का मेन बेस आ रहा है, वो सारे केमिकल्स हैं कि नहीं, सब केमिस्ट्री में आएंगे ना, कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन आएंगे, ऑक्सीजन आएंगे, तो वो सारे आपके केमिस्ट्री में चले गए। अभी आपके बॉडी के अंदर केमिस्ट्री नीड है कि नहीं, केमिस्ट्री का नीड रहता है कि नहीं बताओ, ठीक है, आप देखो आपके बॉडी में ना, मैं स्टार्टिंग पॉइंट से बता देती हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन, आपके हड्डियों में कैल्शियम है, ठीक है, आपके हड्डियों में कैल्शियम है, आप जब रोते हो ना, आपके जो आंसू होते हैं वो नमकीन होता है, सॉल्टी होता है, मतलब उसमें नमक है, तो NaCl मिल जाएगा, हाँ सोडियम मिल जाएगा, तो आपका बॉडी के विद इन और भी जाओगे ना, वहाँ पे पोटेशियम मिलेगा, मिनरल्स मिलेंगे, विटामिंस मिलेंगे, और उसके साथ साथ जो ये ग्लूकोज बन रहा है, आयरन भी मिलेगा, आपका जो ग्लूकोज है ना, आप ग्लूकोज जानते हो ना, आपको बोलते हो डायबिटीज बढ़ गया, डायबिटीज कम हो रहा है, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं, शुगर लेवल इंक्रीज, शुगर लेवल डिक्रीज, तो ये ग्लूकोज एंड इंसुलिन का बात चल रहा है, तो ये सबका जो बेस है ना वो कार्बन हाइड्रोजन से ही बनता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फॉस्फोरस, तो ये सारे चीज़ें कहाँ पे मिल जाएंगे, केमिस्ट्री में मिल जाएंगे, ठीक है, इसके साथ तो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उतना में नहीं जाएंगे, बस आप बेस समझो कि केमिस्ट्री आया, तो केमिस्ट्री का और कुछ नहीं लिखते हैं। और एक जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो किस में आएंगे बताओ, जैसे आपका मिट्टी है, ठीक है, बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, बट मिट्टी को हम कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, तो आपके सराउंडिंग में जो चीजें निर्जीव हैं, नहीं चल रही हैं, उसको हम फिजिक्स में काउंट कर सकते हैं, आप जो मटेरियल्स को नीड करते हो वो सारे फिजिक्स में काउंट होते हैं, आप जो बेड पे सोते हो वो फिजिक्स है, ये सारे आपके आ गए 3 पॉइंट में, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। अभी हम ना जब पहले नेचुरल साइंस पढ़ते थे सबसे बड़ा चीज क्या है बताओ, आपने सुना होगा ब्लैक होल, गैलेक्सीज, सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स, स्टार्स, सुना है कि नहीं,
उल्का पिंड, आकाश गंगा, सुने हो? ठीक है, तो ये जो भी चीजें हैं इसके बारे में ही हम पढ़ते थे नेचुरल साइंस में 12th एंड 13th सेंचुरी में इसी के बारे में पढ़ाई होता था। फिर आया, क्या बोलो, नियर अबाउट 15th सेंचुरी में क्या हुआ पता है? 15th सेंचुरी में टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप का उद्भावन हुआ। आजकल सब कोई जानते हैं टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप क्या है, बट उस टाइम पे जो भी माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप था वो बहुत ही बड़ा साइज में था। ठीक है, इतने सारे लेंस लगाए गए, बहुत सारी चीज़ों को बनाया गया, ये छोटा यंत्र नहीं था, बहुत बड़ा था इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो उस पीरियड में इसको व्यवहार किया गया, उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ाई हुआ। 15th सेंचुरी में नेचुरल साइंस में ये आया। अभी बीच में और भी था, अगर मैं बोलूँ 16th सेंचुरी में क्या हुआ, तो आपके बॉडी में सेल है ना, सेल्स है ना, इसलिए तो ये सेल सब को उद्भावन किया गया, मतलब उसको डिस्कवर किया गया 16th सेंचुरी के मिडिल पीरियड से स्टार्ट हो गया। हमारे रॉबर्ट हुक है, एंटन वैन लीवेनहॉक है, स्वान है, देन स्लेडन है, मॉर्गन है, बहुत सारे लोग आए, ऐसे साइंटिस्ट बहुत आ जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट हुआ, तो यहाँ पे हम आते हैं कि मैकेनिक्स पे। मैकेनिक्स मतलब यहाँ पे आपके अप्लाइड ब्रांचेस आ जा रहे हैं, मतलब इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आया, इंजीनियरिंग क्यों चाहिए, डिप्लोमास, आईटी, जो कि आपका 20th सेंचुरी का कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे नेचुरल साइंस का पार्ट है। अभी लैंग्वेज, लैंग्वेज एक्विजिशन पढ़े हो ना, लैंग्वेज, व्हाट डू मीन बाय लैंग्वेज, जानते हो आप सब, तो उसी चीज़ को लिखते हैं कि इंडिया में, इंडिया हैज लार्जेस्ट वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज, है कि नहीं बताओ, इंडिया में बहुत सारे वेराइटीज के लैंग्वेज है ना, उसमें से ओनली 22 लैंग्वेज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है ना, 22 लैंग्वेज है। अभी अगर मैं द्राविडियन सिस्टम में चले जाऊं, जो आपके पहले थे आर्यन थे, द्राविडियन थे, ये जो जो भी पीरियड था, तो द्राविडियन जो पीरियड था उसमें 73 लैंग्वेज थे। ठीक है, उस समय में व्यवहार होते थे, एक समय था जब हम व्यवहार करते थे खड़ी बोली और आपका पाली भाषा। ठीक है, ब्रजभाषा, पाली भाषा, इसका व्यवहार होता था। इसके बाद आया हमारा अभी का लैंग्वेज, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड हमारा मदर टंग। ठीक है, सो इसमें जानने के लिए, लैंग्वेज को अगर समझना हो, जैसे एक चीज़ों को समझने के लिए उसका मैकेनिज्म चाहिए, तो लैंग्वेज के मैकेनिज्म में क्या क्या चाहिए, ग्रामर समझना पड़ेगा, वर्ड समझने पड़ेंगे, वर्ड कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा, सिंटैक्स, सिमांटिक, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी, ये सब समझना पड़ता है। क्लियर है, इतना क्लियर है? अभी देखो लास्ट पॉइंट आ रहे हैं, लैंग्वेज का खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे 7th पॉइंट जो लिखा है, थोड़ा सा स्पेस नहीं था तो इधर लिखा गया है, इस पॉइंट पे है। ठीक है, अभी देखो क्या है, 1823 में इंग्लिश इंट्रोड्यूस करवाया गया, कहाँ पे बताओ, इंग्लिश का इंट्रोडक्शन कहाँ पे हुआ होगा, इंडिया में, इंडिया में 1823 ना, इंडिया में आ गया है ऑलरेडी, ब्रिटिशर्स आ गए हैं 1823 में, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो चुका है। 1835 में किसने, क्या बताओ, हमारे मैकेले ने 1835 में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया इंग्लिश को। देन 1857 में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड हो गया, वो भी कहाँ पे हुआ बताओ, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, तीन यूनिवर्सिटीज ओपन हुए ये तीन जगह पे। ओके, 1947 मतलब हम बोल सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट इंडिपेंडेंस मिला हुआ है, यहाँ पे हमने इंग्लिश को छोड़ दिया क्या, नहीं, कंटिन्यू है। तो मैंने एक देखा, रिटेंशन ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश जैसा था वैसा ही रहा, उसको हमने क्लासवाइज मैनर पर डिवाइड कर दिया कि कब क्या पढ़ना है। अभी देखो 20th सेंचुरी में यूनिवर्सल यूज ऑफ ग्रामर, बताओ अभी ग्रामर को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, इंग्लिश तो सभी पढ़ ले रहे हैं बट ग्रामर को ज्यादा फोकस किया जा रहा है ना, हो गया, ये इतना है। ठीक है, इतना है, इसके बाद थोड़ा मोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप भांजोगे, मुझे पता है। इतना समझ आया, ये सुन लो, देखो इसके बाद मैं बोल रही हूँ, हाँ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, और शॉर्ट क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट से 1 पॉइंट आएगा, फिलोसॉफिकल आ सकता है, या फिर आपका सोशल आ सकता है, या फिर नॉलेज आ सकता है। ठीक है, आप लिखते जाओ, देखो बीच में छूट ही जाएगा।
तो यहाँ पे अभी पॉइंट्स मेंशन किया ना, इसलिए आपके एग्जाम हॉल में वो कट जाएगा, टेंशन मत लो, आपके एग्जाम हॉल में वो कट जाएगा। ऑलरेडी मैंने पॉइंट मेंशन कर दिया कि नॉलेज के बारे में थोड़ा लिखोगे। आपको मैं ज़्यादा देती हूँ, ज़्यादा से आपको कम खाना है, तो कम कैसे करोगे? जहाँ पे 6 लाइन है उसमें 3 लाइन लिखो, ठीक है? जहाँ पे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया है उसको शॉर्टकट ऐसे लिखने को ट्राई करो ना, ऐसे बनाने को ट्राई करो, लिखने को ट्राई करो, देखो वो शॉर्ट बन जाएगा। सोचो मैंने पूरे लॉन्ग क्वेश्चन को एक पेज में कैसे किया, थिंक करो। आधा पॉइंट्स कहाँ गए? सेंटेंस, हाँ बस, वो जाएगा, ऑब्वियस जाएगा ना। ये आंसर बड़ा है, सबसे बड़ा आंसर है। यहाँ पे 3 पोर्शंस हैं, 3 पार्ट है, 3 पार्ट में देखना, एग्जाम में कोई एक पार्ट वो स्किप भी करेगा, एग्जाम में कोई एक पार्ट स्किप भी होगा, क्योंकि वहां पे मेंशन भी होता है कि फिलोसॉफिकल एंड सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो बस, ठीक है? और ये भी मेंशन हो सकता है कि ओनली नेचुरल साइंस के बारे में लिखो, या फिर ओनली आप सोशियोलॉजी के ऊपर लिखो, या फिर सोशल साइंस के ऊपर लिखो, पूरा नहीं आता है कभी, ठीक है? क्वेश्चन समझोगे, एक आध पार्ट वो खुद ही क्वेश्चन पेपर में मेंशन होगा कि इसको स्किप करना है, मतलब उस चीज के बारे में वहां पे मेंशन ही नहीं होगा वर्डली, ठीक है? चलो ओके, कर लेती हूँ, ऑलमोस्ट मुझे 10 मार्क मिल जाएंगे। ये ट्रिक होता है, इसलिए आज शॉर्टकट दिया जा रहा है इतना, एटलीस्ट कुछ ना हो। बच्चे इतना तो लिख के आ सकते हो ना जो मैंने दिया है अभी पेजेस में, शॉर्टकट करके उतना लिख सकते हैं ना, 3-4 पेज हो जाएगा। उतना भी अगर मैं इस पेज को बहुत ही छोटा करके, मेरा ये A4 साइज पेपर है, ठीक है? मैंने छोटे छोटे हैंड राइटिंग से लिखा है। आप लोग अगर कॉपी में लिखोगे ये मैक्सिमम कितने पेजेस होंगे बताओ? 4 पेज हो जाएंगे, 4 पेज हो जाएंगे, ठीक है? ये 4 पेज भी अगर 10 मिनट में, 10-15 मिनट में लिख के आते हो, कुछ चीजों को छोड़ने से बेटर है 10 मिनट में 4 पेज लिख के आओ, उसमें भी आपको 8-9 मार्क्स मिल जाएंगे, 8-9 मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ 16। ये माइंड में थोड़ा सा रखो कि किसी चीज को छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ते हो तो वहां पर डायग्रामेटिक से प्रेजेंटेशन दे देना, बस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दे दो, जहां पे लाइंस को पूरा कंप्लीट भी नहीं करना पड़ता है। क्या मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट्स को कंप्लीटली लिखा है सेंटेंस के अकॉर्डिंग? देखो, इम्प्रूविंग टीचर एजुकेशन, मैंने कुछ लाइन को एक्सप्लेन किया, कुछ भी किया है ये सुनो, नहीं किया ना? फिर भी देखने से यहाँ पे उस एजुकेटर को या एग्जामिनर को पता चलेगा कि नहीं पॉइंट्स इसको सारे पता है, पता चलेगा तो वहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है? वहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। चलो अभी स्टार्ट करते हैं हम एनसीईआरटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी, अच्छे से सुनना। एनसीईआरटी है क्या बताओ? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म बता दो, यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है? ABCD मेंशन है, नेशनल काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ओके? तो यहाँ पे पॉइंट्स को कैसे याद रखोगे? फिर से मैं बोल रही हूँ, ये N है इसलिए नेशनल है, अगर S होता तो स्टेट होता, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT बहुत सारा चीज़ों पे काम करता है, वो उसने खुद ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि वो एजुकेशन पे काम करता है, वो रिसर्च के ऊपर काम करता है, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। इस 3 पॉइंट को वो टेक्नोलॉजी बोलो, ट्रेनिंग के ऊपर काम करता है, मतलब जो आपके BEd ट्रेनिंग एंड स्किल्स ट्रेनिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, तो ये 3 चीज़ों को वो फोकस करते हुए पूरा आंसर लिखेगा। NCERT के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन क्या आता है बताओ? क्या आया है बताओ? क्वेश्चन क्या है? किताबों के ऊपर है ना? करिकुलम में, बस बस, जब नेशनल मेंशन हो गलती नहीं करोगे, जब भी नेशनल मेंशन हो NCERT लिखोगे, जब स्टेट लेवल मेंशन हो तो SCERT लिखोगे, ठीक है? जब आपका नेशनल मेंशन हो कहीं पे भी, नेशनल एजेंसीज बोल रहा है तो NCERT, जब स्टेट बोल रहा है तो SCERT, इतना क्लियर होना चाहिए। ये मैंने देखो फुल फॉर्म लिख दिया, अगर पूरा भी नहीं लिख पाते हो ना, ऐसे लिख के आना एग्जाम हॉल में, ठीक है? लास्ट पॉइंट पे बोल रही हूँ, पूरा नहीं लिख पा रहे हो, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, जैसे भी करके 5 से 6 पेज बना के आना, एंड ऐसे ही प्रेजेंटेशन क्लियर करके एक 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 लाइन करके लिख के आना, ठीक है? और कुछ ना हो, इतना करके आओगे,
पेपर ब्लैंक नहीं देना है, पेपर में गैप नहीं ज़्यादा छोड़ना है, ना ही पेपर में आधा अधूरा आंसर लिखना है। अगर आंसर आधा लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। बोलो एनसीईआरटी एस्टैब्लिश कब हुए हैं, बताओ। नेशनल बोला गया ना, एनसीईआरटी कहाँ का है बताओ? न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली का है। वहीं एस्टैब्लिश हुआ है 1961 में, फर्स्ट सितंबर 1961। अच्छा, इसका मेन पॉइंट क्या है देखो, साइड में क्या मेंशन है बताओ यहाँ पे? गोल, गोल मेंशन हो गया, ठीक है। तो गोल में देखो, गोल क्या क्या आया, इसके बाद सारे गोल ही है। सो प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट, प्रोवाइड एकेडमिक सपोर्ट, ये एकेडमिक सपोर्ट दे रहा है कि नहीं, इसके नाम पे ही मेंशन है, एजुकेशन, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो एकेडमिक सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, एकेडमिक सपोर्ट करेगा। देन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनसीईआरटी हो एससीईआरटी हो, वो एलिमेंटरी एजुकेशन से स्टार्ट करेगा। कहाँ से स्टार्ट करेगा? एलिमेंटरी एजुकेशन से, ठीक है, एलिमेंटरी एजुकेशन से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है, समझ आ गया। एलिमेंटरी एजुकेशन से स्टार्ट करें मतलब स्कूल एजुकेशन को वो क्या करना चाहता है बताओ? इम्प्रूव, इम्प्रूव करवाना चाहता है, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहता है। देन बोलो ये किसने मतलब क्या हुआ था, मतलब इसको अगर मैं बिल्ड कर रही हूँ, कमिटी को बिल्ड करना चाहती हूँ, तो हमारा जो न्यू दिल्ली का गवर्नमेंट है वही सपोर्ट करेगा, ठीक है, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट किसको एडवाइस देने के लिए इसे बनाया था? एमएचआरडी का फुल फॉर्म आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा अगेन। एमएचआरडी क्या है, तीन दिन से हम वही पढ़ रहे हैं, एमएचआरडी दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। अच्छा, ये देन आपको क्या लगता है कि ये किस पॉइंट के साथ जुड़ा है? इस पॉइंट के साथ जुड़ा है ना, दैट इज कंसर्न्ड विद ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, कंसर्न्ड विद ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन। क्लियर है इतना? पांच पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है, हो गया ना, एक खत्म हो गया। अभी आपका जो क्वेश्चन है उससे पहले हमें साइलेंट फीचर्स लिखना पड़ेगा, साइलेंट फीचर्स। ये देखो, साइलेंट वर्ड अलग है, साइलेंट वर्ड अलग है, साइलेंट फीचर्स नहीं होते, बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड होके साइलेंट लिख के आते हैं, वो गलत है। साइलेंट फीचर्स मतलब इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स को साइलेंट फीचर्स बोलते हैं। तो सम फीचर्स आप यहाँ पे लिखोगे, देखो मेरा पॉइंट क्या था ना, इम्प्रूव करना है टीचर्स एंड एजुकेटर्स को। मैं अगर स्कूल्स को प्रॉपरली चलाना चाहती हूँ तो मुझे क्या चाहिए? इम्प्रूवमेंट चाहिए टीचर्स एंड एजुकेटर्स में, ठीक है, तो बोलो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको एक्सप्लेन करो, आपको क्या करना है इसके लिए? इंप्रूविंग टीचर्स एंड एजुकेटर्स, दैट मींस हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हाँ, ट्रेनिंग सेंटर्स। अभी बताओ टीचर ट्रेनिंग, बताओ अभी ट्रेनिंग कितने साल का होता है? जानते हो ऑलरेडी, सब कुछ जानते हो आप लोग, 2 साल का बस। अभी ये एक्सप्लेन हो गया, पूरा लाइन एक्सप्लेन हो गया, खत्म। अभी बताओ टीचर एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ एक मिला जुला सा वर्ड है, इन सर्विस एंड एक्स सर्विस ट्रेनिंग, पता है कि नहीं? इन सर्विस एंड एक्स सर्विस ट्रेनिंग, इन सर्विस एंड एक्स सर्विस ट्रेनिंग। देखो लास्ट में ये पॉइंट भी मेंशन है, अरेंज इन एंड एक्स सर्विस ट्रेनिंग, मतलब आप जब काम कर रहे हो तो तब के टाइम पे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, जब सर्विस में नहीं हो, या अभी जैसे आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या इसको हम इन सर्विस में रखेंगे या एक्स सर्विस में रखेंगे? एक सर्विस में रखेंगे। तो ये दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। अभी बोलो मैम ये सारा सीक्वेंस में लिखना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है सीक्वेंस में लिखना, एक के बाद एक आप जो आपका याद आता है उतना लिखना, ठीक है। अभी बताओ मैंने क्या बोला था, एजुकेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट करना है, तो कब से स्टार्ट करना है? एलिमेंटरी से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मेंटेनेंस करिकुलम जो भी करेंगे, एलिमेंटरी से। सो एलिमेंटरी प्लस सेकेंडरी, एलिमेंटरी प्लस सेकेंडरी, तो मेंटेनेंस ऑफ स्कूल करिकुलम एलिमेंटरी प्लस सेकेंडरी। एंड ये जो करिकुलम बनेगा ये बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स के लिए बनेगा, बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के लिए बनेगा, ठीक है, हो गया। अभी बोलो ये जो आपका है इंस्टीट्यूट फॉर AIS ऑन टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन मतलब ये है कि आपको AIS मतलब हो गया आपका एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जो सेंटर्स ओपन करने या फिर स्कूल्स ओपन करने हैं जहाँ पे टीचर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, टीचर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है।
अभी और क्या होना चाहिए? ओपन टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स, ओपन टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स, टीचर ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन होंगे। देन और क्या होगा? अगर बोलो आप अच्छे काम करते हो तो बेस्ट टीचर्स अवार्ड्स मिलते हैं कि नहीं? यस, आप हमेशा देखोगे। अभी जो आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ? रिपब्लिक डे पे एंड आपके इंडिपेंडेंस डे पे बेस्ट टीचर्स, बेस्ट स्टूडेंट्स, बेस्ट साइंटिस्ट सबको अवार्ड्स मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं सेलिब्रेशन के डे पे, है ना? तो अवॉर्डिंग टीचर्स एंड एजुकेटर्स, तो जितना हमें स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है प्लस हमें टीचर्स को भी मोटिवेट करना है, बिकॉज टीचर्स ही आपके बुक्स बनाएंगे, टीचर्स ही आपके एजुकेशन सिस्टम को चलाएंगे, रन करवाने के लिए ये सारे आपके पेट्रोल और आप बोल सकते हो फ्यूल है, पेट्रोल और डीजल है बोल सकते हो टीचर्स को, या फिर फ्यूल है। अगर स्कूल एंड सोसाइटी आपका क्या बोल सकते हो, एक गाड़ी जैसा है, व्हीकल जैसा है, तो टीचर्स यहाँ पे एक पहिए जैसे हैं या फिर आपके फ्यूल जैसे हैं जो कि इसको आगे लेके जाएगा। ऑल्सो एस्टैब्लिश NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नेशनल में है इसलिए नेशनल बना। बोलो अगर रीजनल बेसिस पे होगा तो क्या बोलोगे? RIE, ठीक है ना? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ओके। अभी ये किसको सपोर्ट करता है बताओ? NCERT स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एनसीईआरटी स्पॉन्सर्ड बाय, ये स्पॉन्सर्ड होता है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है। ये क्या है? स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बट कुछ स्पॉन्सरशिप हमें सेंट्रल से भी मिलता है। दैट मीन स्टेट प्लस सेंटर आपको सेंट्रल क्या देता है ना, सपोर्ट करता है एससीईआरटी को, जो स्टेट लेवल में काउंसिल है एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, वो ओपन करेंगे। इतने पॉइंट्स हो गए क्लियर? ए एंड बी क्लियर है ना? चलो नेक्स्ट। ओके चलो सी देखो किधर है, ये आ गया सी, ठीक है? अभी बोलो ये सब जानते हो कि नहीं? ओपन CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स, KVS, NVS, ठीक है सब जानते हैं हम, है ना? तो ये आपका बन गया, ये सारे CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, KVS एंड NVS है। नवोदय विद्यालय, आदर्श विद्यालय नहीं आएंगे यहाँ पे, काउंट मत करना उसको, बट वो फॉलो करता है NCERT को, NCERT के द्वारा वो चलता है, बट NCERT नहीं है, वो SCERT में आ जाता है। KVS हो गए या फिर आपके NVS हो गए एंड एफिलिएटेड स्कूल्स हो गए, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अभी बोलो फोर रीजनल कॉलेजेस बनेंगे किसके लिए? बीएड ट्रेनिंग के लिए, टीचर ट्रेनिंग्स के लिए। कहाँ कहाँ बने ना? भोपाल, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, हो गया ना? यहाँ पे मिसर मत बोल देना, मैसूर है। भोपाल, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, क्लियर? BA MBA, देखो MBA बोलते थे ना, अभी BA MBA, ठीक है? भोपाल, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, BBSR मतलब आप जानते ही हो। अभी देखो ये किसके साथ काम करता है ना, ये काम करता है, ये जो चार आपके एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस बन रहे हैं, कहाँ कहाँ बन रहे हैं ना, भोपाल, अजमेर, मैसूर, भुवनेश्वर, ये काम करते हैं स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज के साथ। और यहाँ पे क्या होता है ना, फुलफिल स्कूल ऑब्जेक्टिव्स को हम पूरा करेंगे, स्कूल का जो नीड है उसको हम पूरा करेंगे। अभी बोलो ये सुने हो कि नहीं, ये सेंट्रल का है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, NIE का फुल फॉर्म बता दो, अभी बताया था NIE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कैंपस। ये कहाँ पे बनेंगे सारे ना? न्यू दिल्ली में बनेंगे। और क्या बना ना? ओपन RIE, RIE का फुल फॉर्म बता दो, अभी बताया, R फॉर गर्ल्स, वेरी गुड, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ये हो गया तीन पार्ट कंप्लीट। अभी देखो डी में चले जाओ, आपको बेस दिया गया है टेक्स्ट बुक के लिए, तो टेक्स्ट बुक कल ही पढ़े हो, वही सारे तो लिखते हैं, वो NCERT के द्वारा ही लिखा गया है। जितने पॉइंट्स आपको मिले हैं ना, सारे NCERT फॉलो करता है। मेन हमारा जो फीचर है, मेन अदर फीचर में क्या आते हैं, दैट इज द टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन। NCERT का सबसे हाईलाइटेड चीज क्या है ना, टेक्स्ट बुक प्रोडक्शन भी एक है। टेक्स्ट बुक कितने टाइप के होते हैं, किसके लिए होते हैं ना, ये टीचर्स के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्चर्स के लिए असाइन किए जाते हैं। फॉर टेक्स्ट बुक फॉर्मेशन हम किसको असाइन करते हैं बताओ? अपॉइंट किसको करते हैं? NCF को, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को। वो फ्रेमवर्क बनाता है कि एक टेक्स्ट बुक में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और उस बेसिस पे बच्चों को क्या क्या गुण मिलने चाहिए, ठीक है? अभी खत्म नहीं हुआ है, दूसरे पॉइंट्स में यहाँ पे है।
एंड ऑल्सो पब्लिकेशन हाउस बिल्ट अप बाई एनसीईआरटी. आपको किताबें मिले ना, एनसीईआरटी के बुक्स देखने को मिलते हैं, वहां पे क्या मेंशन होता बोलो तो? मेंशन होता न्यू दिल्ली पब्लिकेशन, कुछ मेंशन होता है पब्लिकेशन हाउस लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, कुछ मेंशन होता है. यस, तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट बुक्स है मेंशन होगा, उसका एक लोगो रहेगा, एनसीटी अप्रूव्ड होगा एंड एनसीईआरटी अप्रूव्ड होगा, तभी जाके वो बुक्स चलेंगे. ठीक है, अभी चलो आगे ई पॉइंट पे आ गए. ठीक है, करिकुलम बेस्ड बुक्स होंगे. आपके किताबें कैसे होंगे बताओ? करिकुलम के ऊपर होंगे. कौन सा करिकुलम? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो करिकुलम मेंशनड है उसके बेसिस पे ये मेंशनड होंगे. मेन मोटो, मोटो क्या है इसका? मेन मोटो क्या है? टू मेक सिटीजन ऑफ इंडिया. आपके जो एनसीईआरटी बुक्स होते हैं वो थोड़े से ईजी होते हैं और इसका मेन मतलब ही होता है. यस यस, मोटो स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग है, एम ओ टी टी होगा. यस बोलिए, कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ, गुड सिटीजन. अच्छा, सिटीजन ऑफ इंडिया और गुड सिटीजनशिप. ओके, ये सारे किताबें क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड बुक्स हैं, चाइल्ड सेंट्रिक बुक्स हैं और चाइल्ड सेंटर्ड बुक्स हैं. ठीक है, तो हमारा करिकुलम फ्लेक्सिबल है, सिस्टमाइज्ड है, तो उसके बेसिस पे किताबें भी सिस्टमाइज्ड होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, चाइल्ड सेंट्रिक बुक्स होंगे. अच्छा, अभी कल ही पढ़ा था टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक. कितने टाइप के टेक्स्ट बुक हो सकते हैं? देखो कितने टाइप के हैं. रेफरेंस बुक्स, टेक्स्ट बुक, स्पेसिफाइड बुक्स, गाइड बुक्स, हैंडआउट्स एंड वर्क बुक्स. इतने टाइप के किताबें हो सकती है. उसके वो छोड़ के भी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर है, जर्नल्स हैं, वीकली मैगजीन्स हैं, एनुअल मैगजीन्स हैं, बहुत सारी चीज़ आएंगी. किताबें इतने हैं, याद रहेगा. अगेन बोलूँ, रेफरेंस बुक क्या होता है बता दो, फटाफट बोलो. रेफरेंस बुक क्या होता है? उसको रेफर करके हम लोग पढ़ते हैं. दैट मीन्स एक टॉपिक अगर मैं दी हूँ तो उसको फिर कहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, जो हम कलेक्ट करते हैं एंड उसको रेफर करते हुए उसी टॉपिक के बेसिस पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो रेफरेंस बुक है. स्पेसिफिक बुक क्या होता है? या स्पेसिफाइड बुक, जो एक टॉपिक है उसी के ऊपर एक एक किताबें बनेंगी. आपको पता है आपका जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है 1986, वो ऑलमोस्ट 150 पेज का है. वो 150 पेज का पॉलिसी है. आपका जो 2020 आया एनपी, वो भी अराउंड 120-130 पेजेस का है. समझ रहे हो ना? ये सारे एक ही स्पेसिफाइड टॉपिक के ऊपर इतना वास्ट किया गया है, चीजों को ए टू जेड डिटेल्ड एग्जामिनेशन, रिसर्च वर्क, आर्टिकल्स के साथ लिखा जाता है, तो वो स्पेसिफाइड बुक्स बन जाते हैं. टेक्स्ट बुक तो जानते हो जो नॉर्मली करिकुलम के अकॉर्डिंग मेंशन किया जाए. एंड डी में क्या मेंशन है बताओ? गाइड बुक्स. गाइड बुक्स आपके पास अभी जो मेंशन है ना, वो गाइड बुक्स हैं. आपके पास जो अभी असाइंड है आपको जो किताबें, वो गाइड बुक्स है. इसलिए वो क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में है ना, क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में पूरा बुक. ओके, तो वो आपके हो गए गाइड बुक. हैंडआउट्स क्या होते हैं? ये जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ ना अभी फ्लो चार्ट के द्वारा, फ्लो चार्ट को बना के ऐसे दिखा रही हूँ, ऐसे भी किताबें मिलती हैं. एनसाइक्लोपीडिया हो गया या फिर हैंडआउट्स बोले जाते हैं उसको. हैंडआउट्स में शॉर्टकट मैनर पे सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, बट सब कुछ होगा एक दो पेज के अंदर, शॉर्टकट रहेगा, हैंडआउट्स बोले जाते हैं. अभी देखो वर्कबुक क्या होता है बताओ? वर्कबुक प्रोसीजर बेस्ड होगा. मतलब कोई एक आपको एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ करना है, उसके लिए जो भी डिटेल्ड मेंशन होता है वो वर्कबुक है. ठीक है, अभी और क्या है हमारे पास? जर्नल्स हैं, मैगजीन्स भी हैं. जर्नल्स एंड मैगजीन्स हैं. कुछ नाम मैं मेंशन कर रही हूँ, कुछ जर्नल एंड मैगजीन्स का नाम मेंशन कर रही हूँ. ओनली नाम मेंशन करना, आपको याद नहीं रखना पड़ेगा ये क्वार्टरली है, एनुअल है या फिर मंथली है, कुछ मेंशन नहीं करना है. आपको सिर्फ याद करना है कि क्या क्या है. इंडिया एजुकेशन रिव्यू, और इंडियन लिख देना, इंडियन बेटर होगा. इंडियन एजुकेशन रिव्यू, देन सेकंड पॉइंट इज जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन. देन नेक्स्ट है आधुनिक शिक्षा, सॉरी यहाँ पे वर्ड आएगा भारतीय आधुनिक शिक्षा. एंड लास्ट वन इज द शिक्षा, शिक्षण दर्पण. ये पांच एग्जाम्पल्स आपको देने हैं. ये मैगजीन्स का एंड जर्नल्स का नाम है जो कि वहाँ पे पब्लिश किया जाता है. एंड एनसीईआरटी एफिलिएटेड जो भी स्कूल्स हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड और एनसीईआरटी जो सपोर्ट किया है जिन स्कूल्स को, एनसीईआरटी बुक्स जहाँ पे चलते हैं, ये सारी चीज़ें भी वीकली मंथली वहाँ पे सप्लाई किए जाते हैं. इंडियन एजुकेशन रिव्यू, जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा, भारतीय आधुनिक शिक्षा, शिक्षा दर्पण और शिक्षण दर्पण एटसेट्रा. ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ तक? क्लियर. ओके, लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं. ठीक है, ये पूरा आपका लास्ट पॉइंट है. क्या है लास्ट पॉइंट? देखो, आपको पता है कि नहीं, एनसीईआरटी बहुत सारे एग्जाम्स को भी कंडक्ट करता है ना. ठीक है,
एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना होगा. सो ऑल्सो कंडक्ट मेनी एग्जाम्स फॉर एपेक्स ग्रोथ. एपेक्स ग्रोथ किसको बोलते हैं, जैसे कि ये आपका एक ट्राइंगल है, इसका एपेक्स कौन सा है बता सकते हो? मैं बता देती हूँ कि एपेक्स का ऑपोजिट बेस होता है, पॉइंट वाला, ऊपर वाला. ठीक है, ये आपका एपेक्स है, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, ये आपका एपेक्स पार्ट है, ये वाला आपका एपेक्स है, एंड नीचे आपका बेस आ गया, या बॉटम पोर्शन बोल सकते हैं. ठीक है, अगर ये फाउंडेशन है, हमेशा ऊपर ही बढ़ना है, तो ये हमारा एपेक्स ग्रोथ होगा, इसी का विकास करना है. तो इसके विकास के लिए बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं नेशनल ग्राउंड पे, जैसे कि आपके सीटेट एग्जाम. अभी दे रहे हो ना सीटेट एग्जाम, दोगे ना सब, कुछ बच्चे तो देंगे. ठीक है, तो सीटेट एग्जाम हो गए, वोकेशनल एजुकेशन के लिए ट्रेनिंग हो गया, और एसओपीटी हो गया. देखो एसओपीटी क्या होता है, स्कूल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स, स्कूल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स और प्राइमरी टीचर्स, उनके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, उनको रिफॉर्म करने के लिए कि उनको और आगे क्या करना है या फिर किन मेथड्स में बच्चों को पढ़ाना है. तो ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, एंड ऑल्सो एडवाइज स्टेट टू कंडक्ट एंड मेक चेंज. ये स्टेट को भी एडवाइस देता है कि बहुत सारे चेंजेस तुमको करने हैं, तो उसके लिए भी तुम भी एग्जाम्स करो एंड उसके बेसिस पे चेंजेस लेके आओ. क्लियर है इतना? वाह, कुछ पॉइंट्स मिले, कुछ होगा क्या इससे, समझ पाओगे, लिख पाओगे आप लोग? हाँ, स्कूल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स, स्कूल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स और स्कूल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर्स भी करने से भी चलेगा, दोनों ही है, एसओपीटी में दोनों आते हैं, शॉर्टकट मेंशन किया था, हो जाएगा. कुछ कुछ लिख सकते हो, लिख लोगे 4-5 पेज एटलीस्ट? ओके चलो, अभी हाँ सेम ही लिखना है, बस बस उतना ही लिखना है. ठीक है, वहाँ पे बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन हो रहा है, वो कंफ्यूजन दूर कर दूँ कि आपको एनसीईआरटी में मेंशन होगा कि टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बोलो, बट कमिटी किसने बिल्ड किया, कौन है, किसने एप्लीकेट किया, वो क्या क्या कर रहा है, फिर जाके आप टेक्स्ट बुक के बारे में जाओगे. क्योंकि आप ये लिटरेचर सब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए स्टार्टिंग बेस से पूरा लिखना पड़ता है, आप सिर्फ पर्टिकुलर उसी बेस पर नहीं लिख सकते. ठीक है, कि आपको टेक्स्ट बुक चाहिए. बस 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 वही चीज है. तो एनसीईआरटी का हिस्ट्री मैंने दिया ना यहाँ पे, उसका इंट्रो दिया, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ एंड क्या उसका गोल है, उसके बाद पूरा पॉइंट्स मेंशन होना स्टार्ट किया. ठीक है, हो गया. चलो अभी जिनको अभी बोल रही हूँ लास्ट मोमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, एक चीज बोल रही हूँ, अगर बाई चांस एससीईआरटी याद नहीं आ रहा है, किसी को याद नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी याद कर चुके हो, सो आंख बंद करके जहां पे भी एनसीईआरटी लिखा गया है उसको चेंज कर देना स्टेट से. ठीक है, एससीईआरटी लिख के चेंज करना, ये लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन है, बोल देती हूँ. अभी कुछ चीजें उसके बेसिस पे चेंज भी करने को पड़ेगा, क्या बताऊं, केवीएस एनवीएस स्कूल्स को ओपन हम एससीईआरटी के बेसिस पे भी करते हैं, बट वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, ये लाइन यहाँ पे एससीईआरटी में मेंशन नहीं होंगे, बिकॉज भोपाल, अजमेर, मैसूर और भुवनेश्वर में ये एनसीईआरटी के बेसिस पे ही आपके रीजनल कॉलेजेस ओपन हुए थे, बाकी के पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे आपके एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के. हो पाएगा? अगर कुछ नहीं होता है तो ये चीज कर सकते हैं आप लोग, लिख पाओगे ऐसे करके? हाँ हाँ, उस चीज को मेंशन कर सकते हैं, बट उसको एज ए कंक्लूजन पार्ट और लास्ट में आप उसको ऐड करिएगा, बस लास्ट में. ठीक है, उसको पहले नहीं करें. सीटेट की जगह में आप तो हरियाणा में ही एग्जाम देंगे, हाँ हरियाणा में देना है, तो एच स्टेट होता है वहां पे एच स्टेट होता है, हरियाणा स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ओटेट होता है, तो ओडिशा के बारे में कोई नहीं लिखेगा, सारे आप लोग एस्टेट के बारे में लिखेंगे. ओडिशा एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट ब्लास्ट में आपको हरियाणा का मेंशन ही करना पड़ेगा एक दो लाइन में. ठीक है, अभी मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट का दिखाती हूँ, देखो शॉर्टकट एक दिखा रही हूँ. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का भी एक पेज में बनाया गया है, ये थोड़ा सा रफ बनाया गया था, पेपर
खत्म हो गया कल, इसलिए शॉर्ट बनाया गया था, फिर देख लो। एनसीईआरटी बोलो, एनसीईआरटी के बेसिस पे एससीईआरटी बनेगा कि नहीं, अभी पढ़ के आए थे, बनेगा। ओके, तो एनसीईआरटी एससीईआरटी एक वर्ड लिखा गया है, लायजन, LIASION, यहाँ पे आई एक्स्ट्रा गया है, लायजन मतलब आप बोल सकते हो मिक्स हो के, दोनों मिक्स हो गया, एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी दोनों एक साथ हाथ मिला के चल रहे हैं, ठीक है। एक हाथ को मान लो आपका सर जो है ना वो एनसीईआरटी है, आपके हाथ जो है वो एससीईआरटी है, ठीक है। तो एनसीईआरटी लाइज्ड हो रहा है, मिक्स हो रहा है किसके साथ, एससीईआरटी के साथ। क्या कर रहा है नहीं, यहाँ पे देखो नेक्स्ट लिखा गया है, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, एक साथ मिलके वो बातचीत पहले करेगा, देन कोलैबोरेट करके वर्क करेगा। क्या बोल रहा है एससीईआरटी ना, शुड बी मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट बोलो, एससीईआरटी कौन मेंटेन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे मैं एस लिख दे रही हूँ, तो शुड बी मेंटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। देन देखो, अच्छा एससीईआरटी अगर हर एक स्टेट में है तो यूटीज में भी तो होंगे ना, यूनियन टेरिटोरीज में, जो संघ शासित अंचल है, स्टेट में भी है तो संघ शासित अंचल में भी होगा। तो इट प्रोवाइड्स और एस्टैब्लिश्ड मेनी ऑफिसेस, मतलब हर एक स्टेट का ऑफिसेस होगा, अलग अलग टाइम में आए हैं, इन मेनी ऑफिसेस इन स्टेट्स एंड यूटीज, ठीक है। केम इन टू एग्जिस्टेंस, पहला जो एससीईआरटी बना वो कब बना बताओ, 5 जनवरी 1979, एससीईआरटी को एनसीईआरटी द्वारा ही बनाया गया। उसके बाद सारे स्टेट्स में प्रोवाइड किए गए कि तुम्हारा अपना अपना एससीईआरटी होना चाहिए, बट रूल आप फॉलो करोगे एनसीईआरटी का, जो भी एनसीईआरटी रूल देगा उसी को फॉलो करना है। तुम चाहो तो अपने लैंग्वेज को थोड़ा आगे बढ़ा सकते हो, तुम चाहो तो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स को आगे बढ़ा सकते हो, बट आपको फॉलो करना है एनसीईआरटी के रूल्स को ही, करिकुलम को, आइडियाज को, ठीक है। सो ये 5 जनवरी 1979, अब बोल दो एनसीईआरटी एस्टैब्लिश कब हुआ था न्यू दिल्ली में, जल्दी से जल्दी से, फटाफट, 1961, 1st September, क्या रे भूल गए सब, भूल गए, इतना जल्दी भूल जा रहे हो। चलो इसका रिजल्ट क्या आया, देखो रिजल्ट क्या आएगा बताओ, NIE बना था, अभी क्या बनेगा स्टेट के अकॉर्डिंग बताओ, SIE, ठीक है, NIE बना था, SIE बनेगा। देखो रिजल्ट क्या बना, ट्रांसफॉर्मेशन, किसका ट्रांसफॉर्मेशन, सारे पॉइंट सेम रहेंगे, मैंने बोला तो हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन करना है। एंड अपग्रेडेशन, अपग्रेड मतलब क्या होता है, मतलब आपको बोलता है ना अभी का एक न्यू चीज जो चल रहा है, 4G को अपग्रेड करो 5G में, मतलब आगे बढ़ना है, अपग्रेडेशन मतलब ऊपर जाने, तो अपग्रेडेशन ऑफ एसआईई स्टेट लेवल में जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है उसको ओपन, मतलब आप अपग्रेड करोगे। इसके पास दो कमिटीज हैं, क्या है, दो कमिटीज हैं। अच्छा बताओ एनसीईआरटी किसको एडवाइस दे रहा था, एमएचआरडी को, एनसीईआरटी एमएचआरडी को एडवाइस दे रहा था, बट ये क्या कर रहा है ना, इसने ऑलरेडी एडवाइस ले चुका है और ले लिया है एनसीईआरटी से। इसके पास दो कमिटीज है, एक कमिटी जो प्रोग्राम एडवाइजरी मिनिस्टर कमिटी है, प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी, प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी, इसको क्या बोलोगे, पाक कमिटी, बोलो पाकिस्तान वाला नहीं आ जाएगा, याद रखने के लिए सिर्फ बोलूं मैं, पाक कमिटी, ठीक है, क्या है, प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी, प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी, एंड अनदर वन इज स्पेशल एडवाइजरी कमिटी, अनदर वन इज स्पेशल एडवाइजरी कमिटी, साक कमिटी, क्या है, साक कमिटी, पाक साक, पाक साक, ठीक है, दैट इज प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी एंड स्पेशल एडवाइजरी कमिटी। स्पेशल एडवाइजरी कमिटी किस पे काम करेगा ना, ये पॉपुलेशन एजुकेशन, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या होता है ना, आपको अभी क्या करना है, एलिमेंटरी एजुकेशन को यूनिवर्सल करना है, तो हर एक स्टेट में जितने लोग हैं सबको साक्षर करना पड़ेगा, लिटरेट बनाना पड़ेगा, यस और नो, यस और नो, दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन एजुकेशन। ओके, एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना है, ICT, अभी का क्या चला बोलो, 5T मॉडल, स्मार्ट बोर्ड एजुकेशन, 5T मॉडल, एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना है, ये हो गया पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन डिफरेंट स्टेट्स, स्पेशली मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था इस पे, मतलब सबसे पहले अगर काम चल रहा था वो वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इसमें काम किया गया, उसके बाद भोपाल, अजमेर, मैसूर, सब में काम किया जा रहा था, तो उड़ीसा में भी उस पीरियड में ही इम्प्लीमेंट हुआ था, इसलिए नाम मेंशन हुआ है स्पेशली इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा, स्पेशली इम्प्लीमेंटेड इन उड़ीसा। नेक्स्ट देखो,
फोर्थ पॉइंट पे, इट एक्ट्स लाइक एज द एकेडमिक विंग. व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक विंग? एकेडमिक विंग बोला गया है. एकेडमिक ब्रांच, ओके. एकेडमिक ब्रांच किसके लिए ओपन करना है? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे एमएड एंड बीएड का चल रहा है, एंड यूथ सर्विसेज. यूथ सर्विसेज, ओके. एससीईआरटी आल्सो एक्ट्स एज द डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर्स. डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर्स मतलब टीचर एजुकेशन प्रमोट कर रहा है, प्लस ट्रांसफर ऑफ टीचर्स हो रहे कि नहीं? अभी चल रहा है, अभी कुछ चल रहा है, सही. ट्रांसफर होगा. सो दैट मीन्स एजुकेशन सिस्टम में कुछ सालों का एक टारगेट दिया जाता है कि 5 साल आप पढ़ाओगे या 2 साल पढ़ाओगे, उसके बाद आपको दूसरे स्कूल्स में ट्रांसफर किया जाएगा. तो ये आपको डायरेक्टोरेट भी करा और डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर्स भी है. प्रोमोट ट्रांसफर, ये भी काम चल रहा है. टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों को हम कर रहे हैं. प्लस ये और क्या कर रहा है? सीआईईज क्या हो जाएगा बताओ? अभी पढ़ाया था सीआईईज, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन. सीआईईटीज है डिस्ट्रिक्ट वाले, ये सारे डिस्ट्रिक्ट वाले हैं, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट में जो आपके टीचर्स एजुकेशन होते हैं इनिशियल पॉइंट्स पे किए जाते हैं, वो आ गए. एंड आपके डीआईईटीज के बाद टीसीज हैं. टीसीज में मतलब ये आपके कॉलेजेस के ऊपर है, टीचर कॉलेजेस, जो टीचर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस चाहिए. ये ऑल इंडिया बेसिस पे जो एजुकेशनल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे आ गए. सो इस सारे आप शॉर्टकट में ही लिखेंगे, फुल फॉर्म लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट में लिखना पड़ता है. एससीईआरटी ये सबके साथ भी काम कर रहा है. इसलिए नेक्स्ट देखो, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पीरियडिकल रिविजन्स, अपग्रेडिंग करिकुलम, प्रिपेरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, एंड यूज ऑफ प्रॉपर मैथड ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड इवेल्युएशन टेक्निक्स. अभी इतना जो आपने पढ़ा, आपको क्या लगा? एनसीईआरटी एससीईआरटी के पॉइंट सेम है कि नहीं? इसलिए मैंने आपको ट्रिक दिया कि आप क्या करेंगे, बस दो कमिटी को ऐड करना है. दैट इज आपका एक पांच रहा, एक साख रहा. क्या है फुल फॉर्म बता दो? पीएससी एंड एसएससी का. एसईसी नहीं है, एनएसी. बस प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी, जो प्रोग्राम कंडक्ट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कीम बनाता है, एंड स्पेशल एडवाइजरी कमिटी, जो पॉपुलेशन एजुकेशन मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सल करवाना, एंड प्लस आपका जो जितने भी टीचर्स हैं उनको एजुकेशन देना, नॉन फॉर्मल एजुकेशन को आगे लेके जाना. तो ये चीज़ों को करना है, एंड एसआईईज ओपन करने हैं. बाकी आपको सारे पॉइंट्स सेम देखने को मिलेंगे. सारे पॉइंट्स को शॉर्टकट दिया गया है. देखो, करिकुलम को प्रॉपर चेंज करना, एनसीएफ को फॉलो करना, टेक्स्ट बुक बनाना, इवैल्यूएशन करना, एग्जामिनेशन टेक्निक सेम एज नेशनल लेवल. तो इतना आपको बस करना है, इतना करना है. होगा. दो तीन पॉसिबिलिटीज में क्वेश्चन आ सकते हैं. ये इसका जो एनसीईआरटी एससीईआरटी का क्वेश्चन है, वो दो तीन पॉसिबिलिटीज में आ सकते हैं. इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था बताइए? और एक लॉन्ग क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक है. और कुछ तो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है उस यूनिट में, है क्या? ओके, टीचिंग मैथड तो आ गया फर्स्ट यूनिट में. है इस यूनिट में आपको ये तीन लॉन्ग क्वेश्चन मिले. अभी तीन में से एक चीज आता है, कैसे बताइए? जैसे मैं यहाँ पे बोल दूं कि फर्स्ट क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी आ गया, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा भी होता है, आप अगर कंफ्यूजन ना हो, फर्स्ट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी है, सेकंड क्वेश्चन भी एनसीईआरटी है. समझ आया? ये एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन बोल रही हूँ. कैसे और एक ऑप्शन आ सकता है? फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी है, सेकंड क्वेश्चन आपका एससीईआरटी है, ठीक है, ये भी ऑप्शन आ सकता है. और फर्स्ट क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक है, सेकंड क्वेश्चन कोई भी एक आएगा. टेक्स्ट बुक है, सेकंड क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी, कोई एक होगा, बट आएगा जरूर, ठीक है. तो मेरे अकॉर्डिंग आप एक प्रिपरेशन लेंगे तो हो जाएगा. कौन सा चीज इजी लग रहा है? टेक्स्ट बुक इजी लग रहा है ना, ठीक है. अगर टेक्स्ट बुक को क्यों पढ़ने बोल रही हूँ, टेक्स्ट बुक अगर पढ़ेंगे तो पेडागोजी इसमें भी आ जाएंगे, पेडागोजीज के लिए भी हो जाएगा, ठीक है. तो पेडागोजीज के लिए अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर ही करना है तो टेक्स्ट बुक को पढ़ लो, एंड एनसीईआरटी को पढ़ लो. एनसीईआरटी पूरा पानी कर लो, एंड टेक्स्ट बुक पूरा पानी कर लो. एससीईआरटी को शॉर्ट प्रिपेयर कर लो. एससीईआरटी का जितना बोला गया उतना, कब एस्टैब्लिश हुआ था? दो कमिटीज का नाम, एंड एनसीईआरटी
को फॉलो करके एससीईआरटी क्या करता है, उसके बाद जो भी पॉइंट्स रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए वो एनसीईआरटी एससीईआरटी का सेम है, जैसे कि किताबों के बारे में है टेक्स्ट बुक्स सेम रहेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न सेम रहेंगे, आपके जो क्या रहा और सेम जो फीचर्स रहा वो भी सेम रहेंगे, बस आपको सोचना है वो एनसीईआरटी मतलब नेशनल लेवल में है या स्टेट लेवल में है। होगा अभी ओके आई थिंक।